Gabin! On air! Abi, Gabin! Ha? Yes, Abi! Gabin, ha? अब तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी सामान पैक अनपैक करने में ही निकल जाएगी। और इस बार तो ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है जहां एक सड़क भी नहीं दिख रहा। देखो ये कपड़े, कैसे रहूंगी इस जंगल में। अच्छा सुनिए, आपको पता था आपकी पोस्टिंग इस जगह पे होने वाली है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ मिस्टी, सरकार जहाँ भेजेगी जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, सारे जंगलों को डेवलप करने का ठेका तो सरकार ने आप ही को दे रखा है। एक काम करता हूँ, सरकार को चिट्ठी लिखता हूँ और अपील करता हूँ कि जंगल को शहर के बीचों बीच बसाए, फिर तो तुम खुश रहोगी ना। मेरी जान, धीरे धीरे हम यहाँ भी सेटल हो जाएंगे, किछु दिन तो लागबे। Don't take tension. Tension तो ये साहब लोग हमको ही देता है। ये देखिए, इतनी महंगी चाय का कप भी टूट गया। मुझे लगता है कांच का कोई भी बर्तन साबुत नहीं होगा। पता नहीं यार क्या क्या टूट गया होगा। क्यों परेशान हो रही हो, कप ही तो है, नया ले लेंगे। अब ये भी। अच्छा ये सब छोड़ो, चाय पियोगी? चाय किचन तो सेट हुआ नहीं अब तक। अरे बाहर से मंगा लेते हैं, तुम बैठो मैं लेके आता हूं। नियास जी। बुधिया। ओ ये संगे संगे ऐसे कोई भी की एक बार तक। ये साहब एंकर जो माइक ना दिन रात खिच ये कर। मन न करुची कि छोटे प्लान करके किमिति एमन के विदा करा जाए। बुधिया बुधिया। हाँ साहब। यहाँ कोई चाय वाला है क्या? आसपास तो नहीं है, कैंटीन से लाना पड़ेगा, दूर है बहुत। अच्छा दो कप ले आओ। जब देखो ये करो वो करो, मनीष कोणिया नहीं है, मन करो कौन करीबो मनीष। अरे बाप रे, पता नहीं यहाँ कपड़े सूखते भी हैं या नहीं। ये अकेलापन, ये सन्नाटा, फिर भी मोहब्बत है मुझे इन हसीन वादियों से। सब्र पर दिल को तो आमादा किया है, लेकिन होश उड़ जाते हैं अब भी तेरी आवाज के साथ। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे। पापा कितनी ठंड है यहाँ तो, सुबह से शाम हो गई कपड़े भी नहीं सूखे। बारिश तो नहीं होगी, चलो कल तक तो सूख ही जाएंगे। ओ बाबा, सर्द मौसम और ये सन्नाटा। अरे भाई कोई उसे खबर तो दो कि शाम की चाय का वक्त हो गया है। बुधिया, बुधिया। हाँ मैडम जी। पानी गरम कर दो। कितना बाल्टी गरम करूं? चाय रखो। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ ज्यादा दिन रह पाऊंगी। क्या बात कर रही हो, देखो थोड़े टाइम की बात है, सरकार फिर कहीं और भेज देगी। कैसे भूल गई तुम, अभी 2 साल कितने मजे से रामजड़ी में गुजारा है। क्या सब कुछ कितना अटपटा सा है नहीं। जंगल के बीचों बीच घर, कितना गहरा सन्नाटा, ऊपर से किचन और बाथरूम भी बाहर आंगन में। मुझे तो रात को अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगता है।
अरे तुम अकेली कहाँ हो? है ना बाहर इतने सारे जानवर। अरे रुको, चाय गिर जाएगी। क्या क्या सोचती रहती हो। मिस्टी मुझे उठा लिया करो। बेकरार रहता हूँ मैं आपके लिए, कभी तो उठा लो यूं ही रात के लिए। मुका को हरियान करछे मोरी पछर पड़छा। हाँ सुनंदा, बहुत दिन हला देखा है नी। आसिम तो देखा कर, हाँ तो आसिम देखा कर। ये लोक गुड़ा बहुत खराब लोक गुड़ा, सब कथा खाली मत मत धर दूसरी। मुझे मुझे कर कपड़े तो अब तक नहीं सूखे, इनको कहाँ सुखाऊं? बुदिया, बुदिया। अब आया मजा। हाँ मैडम। ओहो, ये क्या सारा दिन आग जला रहे हैं? हाँ मैडम, आप तो अंदर रहते हैं ना, आपको क्या पता है बाहर कितना ठंड है। और ये भी पता नहीं है, आग जलाने से भूत प्रेत और जानवर भी नहीं आते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ आसपास कोई घूमने की जगह है? घूमने की जगह है मैडम, लेकिन जो जाता है कभी वापस नहीं आया। मैडम इतना अच्छा घर है, अंदर रहिए ना, जंगल में घूम के क्या फायदा। अच्छा ये ना कपड़े सुखाने के लिए और कोई जगह है क्या? छत पे सुखा सकते हैं, यहाँ तो धूप भी नहीं आती। यही जगह मैडम, अगर छत में सुखाएंगे जंगली बंदर आएंगे, कपड़े उठा ले जाएंगे, फिर आप बोलोगी मुझे बताया नहीं। अरे सुनो, ये लो लिस्ट और पैसे, और बाजार से सामान ले आओ, जल्दी आना। फिर मार्केट जाओ, ये लाओ वो लाओ, आलू प्याज टमाटर दूध दही कॉफी। ये पगली मैडम हर टाइम कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है, चलो लाना ही पड़ेगा। ये बुद्धिया ना क्या क्या करता रहता है। अब इन कपड़ों को कहाँ सुखाऊं? मैडम यहाँ कपड़े ऐसे नहीं सूखेंगे। कौन है यहाँ, कौन बोल रहा है? अपने बारे में क्या बताऊं मैडम, मैं वो हूँ जिसे आपने देखा नहीं है, लेकिन अक्सर आपकी नजरें मुझे ढूंढती हैं। पिछले कई दिनों से आप अपने गीले कपड़ों को लेकर बड़ी परेशान हैं, सोचा आपकी मदद कर दूं। अरे आप दूसरों की बातें सुनते हैं? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। आपकी बातें सुनना तो नहीं चाहता, लेकिन ये कमबख्त एक ईंट की दीवार आपकी आवाज को मुझ तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्या करूं, आपकी सारी बातें साफ साफ सुनाई देती हैं। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि ये कपड़े ऐसे नहीं सूखेंगे, रूम हीटर है आपके पास? जवाब नहीं दिया मैडम आपने। हाँ रूम हीटर तो है। सारे कपड़ों को चेयर या रूम में तार पर डाल दीजिए और रूम हीटर चला दीजिए, झट से सारे कपड़े सूख जाएंगे। वो तो हमें भी पता है, हमें यहाँ के मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, नए हैं हम ना। अच्छा इस जगह पे ठंड ऐसी ही पड़ती है? हाँ पड़ती तो है, लेकिन कुछ दिनों में आपको इस जगह से मोहब्बत हो जाएगी। बिल्कुल अलग है ये जगह, शांत, शहर से दूर, जंगलों के बीच। खामोशी की चुनरी ओढ़े हुए इस जगह की बात ही कुछ और है। कितना बोलता है यार। बोलते रहना, क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। और एक बात, थोड़ी सर्दी लगी हुई है आपको, चाय में अदरक डालकर पिया करो। क्या हुआ? अरे सिग्नल नहीं आ रहा। अरे वो छोड़ो। अच्छा सुनो,
आपको पता हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे लाइट बहुत जाती है यहाँ पे, लगता है इन्वर्टर लेना पड़ेगा। इन्वर्टर? इन्वर्टर कब लाओगे? ओहो तुम्हें बताना भूल गया, सरकारी फरमान आया क्या? है मंडे को 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से रायगढ़ जाना है। आते हुए इन्वर्टर भी ले आऊंगा। 3 दिन? 3 दिन के लिए आप मुझे अकेले छोड़ के जाओगे? बस 3 दिन की तो बात है, कौन सा जंगल में पहली बार रह रहे हो? और बुधिया तो है बाहर, कुछ काम हो तो बता देना उसे। बुधिया? उससे तो मुझे और डर लगता है। क्यों? सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बड़ा अजीब सा आदमी है। अरे इंटरेस्टिंग आदमी है, तुम्हें एंटरटेन करता रहेगा। अबे क्या भाई, अबे क्या बैठी है? क्या भाई, कौन है, कौन है? चल 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 चल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बुधिया क्या शोर मचा रखा है, सो जाओ। हाँ साहब अभी जा रहा हूँ सोने, अभी जा रहा हूँ। आज तो बादल सा लग रहा है, आज कपड़े नहीं धोंगे। अरे कितनी खांसी हो रही है आपको, कुछ लिया नहीं क्या? कल से खांसी शुरू हुई है, ले लूंगी कोई कफ सिरप। कफ सिरप? मैडम यहाँ की खांसी कफ सिरप से ठीक नहीं होगी। तो फिर अच्छा एक बात बताइए, हस्बैंड पीते हैं आपके? अरे मैडम जवाब तो दीजिए, अगर पीते हैं तो उनको बोलिए 30 ml रम आपको भी पिला दें, कल तक खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मैडम रम। अरे क्या हुआ? अरे अनेक खांसी, अच्छा तो देखी बुखार तो नहीं है, फीवर तो नहीं लग रहा, फिर लगता है ठंड लग गई, संभल कर रहना चाहिए, कल मुझे जाना भी है, क्या जरूरत है ठंड में कपड़े धोने की। ये खांसी अब तब से नहीं जाएगी। तो फिर रम है आपके पास? क्या रम, रम है आपके पास? अबे सुनिए अबे जानती बुद्धिया आपके बच्चे ने बापर ना जमा डर ना। अच्छा आशी देखो अपना ख्याल रखना, कुछ काम हो तो बुधिया है ही यहाँ पे, आप जल्दी आना। बुधिया सामान रख दो गाड़ी में। बुधिया पानी गर्म कर दो। मन हो ची ये फूटा पानी नहीं की रणजीत ऊपर को पके दिए। इनकी पोस्टिंग ज्यादातर जंगलों में ही होती रहती है।
अक्सर नक्सलवादी एरियाओं में जाना पड़ता है, इसलिए तो बच्चियों को भी हॉस्टल में डाल दिया है। क्या बात कर रहे हो, बच्चियां? वैसे उम्र बहुत कम लगती है आपकी। आपने देखा मुझे? नहीं मैडम, देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन आपकी आवाज से आपकी उम्र का अंदाजा लगा दिया मैंने। वैसे रम से खांसी में काफी फर्क पड़ा है। वो तो आपकी आवाज सुनकर लग ही रहा है मैडम। क्या बात है मैडम, देख लीजिए, अब रोज पीना ना पड़े। चलिए, आपके हस्बैंड को कंपनी मिल जाएगी। वो तो खुश हो जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे आपको। ओहो, वेलकम वेलकम, लेकिन 30 ml से ज्यादा नहीं जाइएगा मैडम। बुदिया, ये सब कब लगाया? आपके लिए लगाया हूँ, मजेदार साहब, कभी खाइए, साहब को भी खिलाइए, हो सके तो हमारे लिए भी थोड़ा रखिए, और क्या। हाँ हेलो, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ कहाँ धूप। हाँ हाँ हंसिए, फिर गीले कपड़े में आप ही रहना, वहाँ कैसा है मौसम? हाँ बोलिए, क्या 2 दिन और लगेंगे आपको? क्या बात कर रहे हो आप, मतलब आप भी 2 दिन बाद, इन्वर्टर भी 2 दिन बाद, लाइट चली गई तो? क्या बात है मैडम, आज तो कुछ स्पेशल बन रहा है। चिकन। अरे वाह, क्या बात है, आपकी नाक तो बड़ी तेज है। खुशबू से ही पता चल रहा है मैडम, खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं आप। आप खाएंगे तो आ जाइए। आ तो जाऊं, लेकिन आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, घर पर नहीं है ना। आपको कैसे पता? सोचिए सोचिए, आप भी तो सोचिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपके काम तो यही रहते हैं हर समय। सही कहा। अरे वाह, कपड़े सूख तो गए। अच्छा सुनिए। हाँ जी बोलिए। आपकी फैमिली भी यहाँ रहती है क्या? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। आप भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो? नहीं, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मुझे नई और अलग जगह अच्छी लगती है। जिस दिन यहाँ से मेरा मन भर जाएगा, फिर ये मुसाफिर कहीं और चला जाएगा। हाँ अच्छा। वैसे एक खुशखबरी दूं आपको मैडम? हाँ बताइए। देख लेना मैडम, कल धूप निकलेगी। मुझे नहीं लगता, देखिए कितने बादल हैं, मुझे तो लगता है बारिश होगी। ना, यहाँ के मौसम से मेरी दोस्ती है, देखना धूप फिर निकलेगी। मैं बोलती हूँ देखना बारिश होगी। चलिए ठीक है, आप हंसिए, कल देखेंगे बारिश होती है या धूप निकलती है। अरे वाह, आज धूप तो बड़ी अच्छी निकली है। आप तो वाकई बिल्कुल सही बोल रहे थे, आज धूप कितनी अच्छी निकली है। मैं कहती हूँ आपको ज्योतिष का काम शुरू ही कर दो, बहुत अच्छा चलेगा। घर पे नहीं है शायद? आ गए आप? कोई
कहाँ हो आप? सुनिए तो। बुदिया, 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 यहाँ आना। पता नहीं ये मैडम का दिमाग क्या हो गया, आज सीढ़ी मंगा रही है, कल बोलेगी रस्सी ला, कल बोलेगी यहाँ कुआं खुदवा, क्या कर करना पड़ेगा। मैडम कोई काम है तो हमें बताइए, हम कर देंगे। कुछ काम नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो, मैं कर लूंगी। ठीक है। बुदिया भी ना इतनी लंबी सीढ़ी ले आया। नहीं कि मैंने तुम्हें उनकी बीमारी के बारे में बताया है। अगर मैडम कहीं बोले कहीं जाना है तो उनको जाने मत देना। यहाँ आसपास कोई घूमने की जगह है? है मैडम, लेकिन जो जाता है कभी वापस नहीं आया। हाँ सुनंदा, बहुत दिन ला देखा ही नहीं। आप आराम से जाओ साहब, मैं मैडम का पूरा ध्यान रखूंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर इतने दिनों से मुझसे कौन बात कर रहा था? बुद्धिया, कहीं ये बुद्धिया तो नहीं है? हाँ ये बुद्धिया ही है। मैडम बोला था ना धूप निकलेगी। पानी गरम करो क्या?